दिल्ली दे आगू परमजीत सिंह सरना ने अज पत्रकारां नाल गलबात करदे कहा है कि दिल्ली कमेटी के जनरल सकत्तर मनजिंदर सिंह सिरसा ने मदनपुरा खैदर एक्स सरिता विहार दिल्ली विच अते होर वख-वख फर्जियां कंपनियां तों 85 लाख रुपए के तंबू कंबल तरपालां आदि खरीद के गुरु की गोलक नूं भारी चूना लगाया है। उन्होंने कहना है कि इन्हां फर्जी कंपनियां वालों दिते बिलों के एड्रैसा से यह कंपनियां मौजूद नहीं अते ना ही एड्रैस हैं। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान सरना का कहना है कि भ्रिष्टाचार विच पैरां तों चोटी तक लिप्त सिरसा नूं दिल्ली कमेटी के किसी भी अहुदे ते रहण का कोई भी हक नहीं है। 2012 और मार्च अप्रैल 2013 का डिफरेंस निकाल लो, वो इन्होंने पैसे खाए हैं, सीधी बात है। उसके ऊपर ये भड़के बहुत, अब ये पूरी 1 करोड़ रुपये की चोरी है। 2 आदमियों से इन्होंने अंबिका एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड और वाणी ट्रेडिंग कंपनी, इन 2 कंपनियों से जो रिलीफ टेंट होते हैं, जो भूचाल वगैरह आते हैं वहाँ इनको टेंट देते हैं, उनमें से ये टेंट खरीदे गए हैं। दिल्ली में हर एक को मालूम है कि टेंट तिरपाल की मार्केट आज़ाद मार्केट है। जब हमने रिलीफ भेजा था पाकिस्तान में तो हमने वहीं से खरीद के भेजे थे। उसके अलावा कोई इक्का दुक्का दुकान हो तरपाल की पर टेंट वहीं है। जब हमने एड्रेस पढ़ा तो हमें शक पड़ गया कि ये टेंट जो हैं ये भी ऐसे वाले साहब हैं जैसे किताबें वाला है। जो टेंट बनाने वाले हैं वो हमारे जानकार हैं, इसके पड़ोस में ही रहते हैं। हमने उनको टेलीफोन किया, उनका जी वैसे तो ट्रेडिंग है, कहीं कहीं भी कर सकता, पर ऐसे हमारी नॉलेज में नहीं है। हमने अपना 2 आदमी भेजे सरिता विहार में बहादुरगढ़ जो बॉर्डर है वहाँ पे, जो उन्होंने एड्रेस दिए हैं वहाँ पे, इस नाम के कोई फर्म नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है। 257 के बाद बिल्डिंग ही नहीं है। एक है वाणी। अब हमारी गुजारिश ये है कि कल इलेक्शन है, जो इनके 44-45 मेंबर हैं, क्या उनमें कोई अणख, कोई गैरत, कोई इज्जत है? क्या वो ऐसे भ्रष्ट आदमी को प्रधान चुनेंगे, अपनी वोट डालेंगे, जिसकी अभी तो ये शुरुआत हुई है? अभी तो 3 निकले हैं, एयर कंडीशन निकला, टेंटों का खर्चा निकला और ये रिलीफ टेंट का है। यहाँ तो जहाँ हटा लेंगे वहीं सब कुछ है, ऐसे थोड़ी 200 करोड़ रुपया खत्म हो गया। इसके अलावा हमारे पास पक्की रिपोर्ट है, जो हम इलेक्शन कमिश्नर के पास भी जाएंगे, असेंबली में जो स्पीकर है उसके पास भी जाएंगे। 40 लाख रुपया इसने अपने इलाके में बांटा है, 40 लाख रुपया जो रिलीफ आम सिखों को मिलना चाहिए वो इसने सिर्फ रजौरी गार्डन हलके में बांटा है, और सिर्फ 2 आदमियों ने बांटा है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ जी, ए इन्होंने एक फंड क्रिएट किया है, जिमें सारे को दिता भी प्रेजिडेंट और जनरल सैकटरी अपने को जरा पास किया, देना इन्होंने 1500 पास किया जनरल सैकटरी का, वो 1500 रुपया दे गए हर एक जड़ा आएगा ले गया, और सिर्फ बंदे दुआ दे दस्तखत है गए और 1500 रुपया देने से 40 लाख रुपया। प्रधान का 15 लाख है, जनरल सकत्तर का 40 लाख है। असी एक कंप्लेंट करनी है इनकी, MLA जी हैगी इस डिसमिसल करानी हैगी, और ये भी करना है। मैं आपके माध्यम से जो मेंबर कल वोट डालेंगे, मैं साफ कह देना चाहता हूँ, जो जो इसको वोट डालेगा वो गुरु घर का सबसे बड़ा देनदार होगा। उसको इसकी वोट डालने की कीमत चुकानी पड़ेगी, गुरु इनको बिल्कुल नहीं बख्शेगा।